हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और मैं इस वीडियो के अंदर रिएक्ट करने वाला हूं शाहिद आफरीदी द गेम चेंजर शाहिद आफरीदी को कहा जाता है। एंड यस, उनको सच में बोला जाता है क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी और अग्रेशन उनका, उसके लिए हम लोग जानते हैं उनको जो उनकी फील्ड पर दिखाई देता है। उसके अलावा वो बहुत सही इंसान दिखाई देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या है इनके बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। वैसे तो क्रिकेट के खेल ने कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने अपनी आक्रामक खेल से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, और जब ऐसे खिलाड़ी की बात आती है तो शाहिद आफरीदी का नाम जरूर लिया जाता है, जिन्होंने अपनी आक्रामक खेल के दम पर कई रिकॉर्ड अपने नाम आक्रामक किए। यानी कि अग्रेसिव निकनेम ही बूम बूम आफरीदी पड़ गया। हाँ, बूम बूम एंड लाला भी कहते हैं। आज बात करते हैं इस सितारे की जिंदगी के बारे में। ये हिंदी इंडियन वीडियो है, आई थिंक 1980 को खैबर पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा फजल उर रहमान आफरीदी था। अच्छा, आफरीदी को बचपन से ही क्रिकेट के खेल में काफी दिलचस्पी थी, और जब भी टीवी पर क्रिकेट का मैच आ रहा होता तो वो सब कुछ छोड़कर मैच देखने बैठ जाते थे। वो इमरान खान और वसीम अकरम को अपना रोल मॉडल मानते थे और बड़े होकर उनकी ही तरह बनना चाहते थे। हर पाकिस्तानी की तरह आफरीदी का भी सपना था कि वो एक दिन पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेट खेले। आफरीदी का क्रिकेट के प्रति जुनून इतना था कि वो घर से निकलते तो स्कूल जाने के लिए थे, पर स्कूल न पहुंचकर क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच जाते थे। शायद यही वजह थी कि जब आफरीदी सिर्फ 6 क्लास में थे तो उन्हें इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। ओ अच्छा, 6 क्लास में। ज्यादातर 10th और 12th के बच्चों को शामिल किया जाता है। शाहिद आफरीदी एक शानदार ऑलराउंडर थे जो अपने लेग स्पिन और हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते थे। जूनियर क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद PSL तो अभी खेलते हैं। 14 साल की उम्र में कराची की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। या बिल्कुल चेंज लग रहा है। 1994-95 की कायदे आजम ट्रॉफी में आफरीदी ने 5 मैचों में 9.5 की बॉलिंग एवरेज से 42 विकेट लिए और कराची की टीम को 1994-95 की कायदे आजम ट्रॉफी भी जितवाई। वाह भाई वाह। उसके बाद उन्हें पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम से खेलने के लिए बुलावा आ गया। ये बात अच्छा, उसके बाद 1996 की समीर कप की जो 4 देशों के बीच होने वाली थी, उसके बाद एंट्री इनकी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और केनिया की टीमें शामिल थी। इस टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में ही पाकिस्तान टीम के लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद चोटिल हो गए थे, और पाकिस्तान टीम को जल्द से जल्द एक लेग स्पिनर की आवश्यकता थी, जिसके लिए वसीम अकरम ने हारून रशीद को फोन किया जो कि उस समय पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कोच और सिलेक्टर थे। अच्छा जी। हारून रशीद ने वसीम अकरम को बताया कि उनके पास एक लड़का है जो कि एक लेग स्पिनर है जिसका नाम है शाहिद आफरीदी, और उन्होंने आफरीदी को समीर कप खेलने केन्या भेज दिया। बोलेंगे अच्छी है लाला की, थोड़ी स्पीड से टीम को ज्वाइन किया। उन्हें 4-5 दिनों तक केवल बॉलिंग कराई गई लेग स्पिन, क्योंकि वो टीम में एक लेग स्पिनर के तौर पर आए थे। ओके, लेग स्पिनर के तौर पर आए थे और बैट्समैन के तौर पर इनकी हस्ती बनी। केन्या के खिलाफ एक दिवसीय ज्यादा नाम जो डेब्यू किया, और इस मैच में आफरीदी ने 10 ओवर में 32 रन दिए और उन्हें कोई विकेट्स नहीं मिला और ना ही बल्लेबाजी करने का मौका मिला। अच्छा जी। लेकिन इस मैच के अगले दिन नेट सेशन के खत्म होने के पहले वसीम अकरम ने यूं ही आफरीदी से पूछ लिया कि क्या तुम बैटिंग भी कर सकते हो। आफरीदी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिया हाँ। तब वसीम अकरम ने आफरीदी को बैटिंग करने के लिए कहा और खुद बॉलिंग करने चले गए। आफरीदी ने अकरम की पहली गेंद पर ही ऊंचा शॉट मारा और गेंद ग्राउंड से बाहर चली गई। यह देखकर वसीम अकरम हैरान रह गए। फिर उन्होंने सोचा शायद आफरीदी का तुक्का लग गया होगा। फिर वकार यूनिस ने आफरीदी को गेंद फेंकी, पर नतीजा वही, गेंद दोबारा ग्राउंड से बाहर चली गई। इसके बाद आफरीदी ने वकार और वसीम के गेंदों पर कई बड़े बड़े शॉट लगाए। इस तरह प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन वसीम अकरम ने आफरीदी को थोड़ा पहले बैटिंग करवाई और उन्होंने नई बॉल से बॉलिंग की, पर आफरीदी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने उसी तरह लंबे लंबे शॉट लगाए। इसके बाद वसीम अकरम ने सईद अनवर और रमीज राजा से बात की और कहा अगर अगले मैच में हमें जरूरत पड़ी तो हम आफरीदी को पिंच हीटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दुर्भाग्यवश वसीम अकरम को अपने पिता की तबीयत खराब होने की खबर मिली और वो अपने पिता को देखने पाकिस्तान लौट गए और वो अगला मैच नहीं खेल पाए। 4 अक्टूबर 1996 को कप्तान ने वसीम अकरम की बात को ध्यान में रखते हुए आफरीदी को श्रीलंका के खिलाफ नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतार दिया, जहां उन्होंने अपनी आतिशी पारी से पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। ये वही मैच है जिसकी वजह से आफरीदी को पहचान मिली।
इस मैच में उन्होंने महज 37 गेंदों में अपना शतक पूरा कर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। उन्होंने अपनी इस विस्फोटक पारी में 11 छक्के और 6 चौके लगाए थे। उस समय अफरीदी की इस सेंचुरी की बहुत ही अहमियत थी, क्योंकि उस समय बैट्समैन वनडे क्रिकेट में सेंचुरी लगाने के लिए एवरेज 110 से 120 गेंदे लेते थे और उस समय 260 से 270 का स्कोर विनिंग स्कोर माना जाता था। उस मैच के बाद अफरीदी रातों रात स्टार बन गए। हिस्ट्री बना दी भाई अफरीदी ने। उस मैच के बाद से पाकिस्तान टीम ने अफरीदी को ओपनिंग करानी शुरू कर दी। ओपनिंग भी आ गई। ओपनिंग जोड़ी बनाई गई शाहिद अफरीदी और सईद अनवर की। अफरीदी से ओपनिंग करवाने का एक ही मकसद था और वो था पावर प्ले के दौरान ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए। अफरीदी और सईद अनवर की जोड़ी कुछ हद तक इस मकसद में कामयाब भी हो रही थी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, पर बाद में अफरीदी बड़े बड़े शॉट लगाने के चक्कर में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाने लगे। इसकी वजह से कंट्रोल खो बैठे थे। अफरीदी की एक खास बात थी कि वो एक आक्रामक बल्लेबाज होने के साथ साथ एक शानदार लेग स्पिनर भी थे। कई बार तो उन्होंने अपनी बॉलिंग के दम पर ही अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इस वजह से बल्लेबाजी में लगातार विफल रहने के बावजूद उन्हें टीम में रखा जाता था। अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला, पर इस मैच में भी अफरीदी कुछ खास नहीं कर सके। अब बारी आई साल 1999 की हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज की, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली थी। उसी सीरीज के चेन्नई टेस्ट में उन्होंने दूसरी इनिंग में पारी की शुरुआत करते हुए 141 रनों की विस्फोटक पारी खेली और पाकिस्तान को 12 रनों से जीत भी दिलाई। ये उनकी टेस्ट क्रिकेट में पहली सेंचुरी भी थी। समझ रहे हो, शायद टी20 वाली पारी। 96 से लेकर 2003 तक बतौर सलामी बल्लेबाज खेलते रहे। उन्होंने सबसे ज्यादा बार सईद अनवर के साथ ओपनिंग की, लेकिन बीच बीच में अफरीदी इमरान नजीर और सलमान बट के साथ भी ओपनिंग करते नजर आए। सलमान बट 2003 के बाद अफरीदी को नंबर 6 और 7 पर फिनिशर के तौर पर भेजा जाने लगा, लेकिन साल 2004 में वो बैट्समैन के तौर पर पूरी तरह फ्लॉप रहे और उनकी टीम में जगह पर भी सवाल उठने लगे। साल 2004 में ही पाकिस्तान को अपनी चिर प्रतिद्वंदी टीम भारत से अपनी ही धरती पर हार का मुंह देखना पड़ा। भारत से घरेलू सीरीज में हार से नाराज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जावेद मियादाद को कोच के पद से हटा दिया और कोच बनाया गया बॉब उलमर को। अफरीदी को नए कोच बॉब उलमर से काफ़ी सपोर्ट मिला। उन्होंने अफरीदी की बैटिंग में सुधार किया और सही शॉट सिलेक्शन करना सिखाया। उलमर ने अफरीदी को दोबारा ओपनिंग करने का मौका भी दिया। इसका असर दिखा 2005 के भारत बनाम पाकिस्तान एक दिवसीय सीरीज में। एक और बिलीवर आया इनके मैच में 45 गेंदों में 9 छक्के और 10 चौकी की मदद से सेंचुरी जड़ दी और अपनी टीम को जीत भी दिलाई। अफरीदी की इस पारी को देखने के बाद भारत के महान क्रिकेटरों में से एक रवि शास्त्री ने अफरीदी को बूम बूम अफरीदी का टाइटल दिया था। रवि शास्त्री ने बूम बूम अफरीदी का टाइटल दिया था। जब साल 2006 में भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया तो वहां देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान का कनेक्शन और 3 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी बनाई। साल 2007 में जब क्रिकेट का छोटा फॉर्मेट टी20 का वर्ल्ड कप हुआ, तब उन्होंने अपनी ऑलराउंड प्रदर्शन से पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया, पर दुर्भाग्यवश फाइनल में भारत से हार गई। पर अपनी ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से वे मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। पर 2009 के टी20 विश्व कप में खेलते हुए अफरीदी ने एक बार फिर से अपना कमाल का ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में शानदार अर्धशतक बनाया और पाकिस्तान को टी20 विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी साल उन्हें टी20 टीम का कप्तान भी बनाया गया और साल 2010 में एक दिवसीय टीम की कप्तानी भी अफरीदी को सौंप दी गई। पर लगातार टेस्ट क्रिकेट में उनकी भूमिका को नज़रअंदाज किए जाने की वजह से उन्होंने जुलाई 2010 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और अपना सारा ध्यान एक दिवसीय और टी20 क्रिकेट खेलने में लगा दिया। साल 2011 के वर्ल्ड कप में उन्होंने केवल अपनी गेंदबाजी के दम पर ही अपनी टीम को सेमीफाइनल तक लेकर गए, क्योंकि वह बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी टीम सेमीफाइनल में भारत से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 8 मैचों में 21 विकेट लिए और भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान के साथ संयुक्त रूप से हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। साल 2011 में पाकिस्तान को वेस्टइंडीज का दौरा करना था, जहां उनकी टीम टी20 मैच तो हार गई, पर एक दिवसीय और टेस्ट सीरीज में शानदार जीत दर्ज की। लेकिन इसी टूर के बाद टीम के कोच वकार यूनिस ने पीसीबी को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने अफरीदी को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा, अफरीदी एक बहुत ही इमैच्योर कप्तान है और वो किसी की भी सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं और न ही उनमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है। इसके तुरंत बाद अफरीदी को टी20 और एक दिवसीय टीम की कप्तानी से हटा दिया गया और उनकी जगह मिसबाह उल हक को कप्तान बनाया गया।
इसके तुरंत बाद अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी सीनियर प्लेयर्स की इज्जत नहीं करता है और वो इस माहौल में क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी कंडीशनल रिटायरमेंट आमिर ने बोला था और उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन को बदला नहीं जाएगा तब तक वो टीम में वापसी नहीं करेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने बोला था अफरीदी का काफी सपोर्ट किया और 6 महीने बाद अक्सर नाराज रहते हैं पाकिस्तान के बोर्ड की चेयरमैन एजाज बट को हटाकर जाका अशरफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया। नवंबर 2011 में अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ टीम में वापसी की और इस सीरीज में अफरीदी ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 5 वनडे मैचों में 13 विकेट लिए, जिसके बाद उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। और साल 2013 में वेस्टइंडीज टूर पर पहले वनडे मैच में 76 रन बनाए और 12 रन देकर 7 विकेट भी लिए, जो कि वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री में सेकेंड बेस्ट बॉलिंग फिगर है। दिसंबर 2014 में अफरीदी ने वनडे क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और कहा कि साल 2015 का ICC वर्ल्ड कप उनका आखिरी वनडे टूर्नामेंट होगा। हालांकि अफरीदी इस वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए थे और पाकिस्तान टीम क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गई थी। इस मैच के बाद ही अफरीदी ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली पर T20 क्रिकेट खेलना जारी रखा और 19 फरवरी 2017 को इस शानदार खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। लोग अफरीदी को एक बल्लेबाज के तौर पर देखते थे और जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों में सेंचुरी लगाई तब लोगों की उम्मीदें उनसे और बढ़ने लगी। अफरीदी अपने आप को हमेशा एक बॉलर मानते थे जो आखिरी ओवर में भी आकर शानदार बैटिंग कर सकता है। अफरीदी को उनके लंबे करियर के दौरान उनकी बल्लेबाजी के लिए कई बार क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा क्योंकि कई बार बड़े शॉट लगाने के चक्कर में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठते थे। यही बोलते थे यार। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि बल्लेबाजी नहीं चला तो नहीं चला। पाकिस्तान ने कई ऐसे मैचेस भी जीते हैं जहां लोग सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान ये मैच भी जीत सकता है। अफरीदी के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने कहा था, अगर आप मुझे 10 लकड़ी के टुकड़े और एक शाहिद अफरीदी दे दे तो मैं आपको वर्ल्ड कप ला कर दे दूंगा। शाहिद अफरीदी के बारे में बात करते हुए एक बार भारत के महान विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह ने कहा था, मैं एक ओवर में 6 छक्के मारकर भी वो शोहरत हासिल नहीं कर पाया जो शाहिद अफरीदी के पास है। तो चलिए एक नजर डालते हैं अफरीदी के कुछ रिकॉर्ड्स पर। रिकॉर्ड्स, अफरीदी ने 398 एक दिवसीय मैचों में 351 छक्के लगाए हैं और इस तरह वो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड भी अफरीदी के नाम ही है। उन्होंने साल 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे एक दिवसीय मैच में रियान मैकलॉरेन की गेंद पर 158 मीटर का यह लंबा छक्का लगाया था जिसे अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। अफरीदी ने एक दिवसीय क्रिकेट में 3 बार एक मैच में 50 से ज्यादा रन बनाए हैं और उसी मैच में 5 या उससे अधिक विकेट भी लिए हैं और ये कारनामा करने वाले वो विश्व के एकलौते खिलाड़ी हैं। इसके अलावा उन्होंने वनडे क्रिकेट में 8000 से ज्यादा रन बनाए हैं और करीब 400 विकेट अपने नाम किए हैं। इस तरह ऐसा कारनामा करने वाले भी अफरीदी विश्व के एकलौते खिलाड़ी है। हालांकि अफरीदी को T20 क्रिकेट से रिटायर हुए 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं पर T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अभी भी अफरीदी के नाम ही है। उन्होंने 99 T20 मैचों में 98 विकेट लिए हैं। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 2000 में नादिया अफरीदी से विवाह किया था जो रिश्ते में उनके मामा की बेटी है, जिससे उनकी 4 बेटियां हैं जिनका नाम अक्सा, अंसा, अजवा और असमारा है। क्रिकेट के अलावा अफरीदी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन नाम से एक NGO भी चलाते हैं जिसकी स्थापना उन्होंने साल 2014 में की थी और इस NGO ने पाकिस्तान में हजारों गरीब और अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके रहने खाने का खर्च उठा रखा है। जिस दिन भी क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा अफरीदी को एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाएगा जिसने दुनिया को ये बताया कि अपनी इनिंग की पहली गेंद पर भी छक्का लगाया जा सकता है और जब भी क्रिकेट में पावर हिटिंग की बात की जाएगी तब शायद अफरीदी का नाम जरूर लिया जाएगा। जरूर लिया जाएगा। सच में यार पावर हिटर थे, बहुत तगड़े, कम नहीं थे और उनकी संन्यास की घोषणा से निश्चय ही गेंदबाजों ने राहत की सांस ली होगी। तो दोस्तों ये तो थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के महान ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलता हूँ आपसे अपने। राइट, तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देखा हमने, ये बहुत ही अच्छा वीडियो था आई थिंक, क्योंकि इसमें बहुत कुछ था, पूरी जर्नी थी। इंडियन ही है वीडियो, इंडिया में बना हुआ वीडियो है एंड शाहिद अफरीदी के ऊपर वीडियो है और उनकी पूरी जर्नी है। जीरो तो नहीं कहेंगे, वो एक चाहत, वो एक तगड़ी अंदर से फीलिंग कि मुझे कुछ करना है क्रिकेट में और वो सब लेकर वो
ज़ीरो से स्टार्ट करता है, हर कोई स्टार्ट जो करता है वो ज़ीरो से करता है, लेकिन वो ज़ीरो होता नहीं है। कुछ लोग उसको ज़ीरो समझते हैं, बोलते हैं। बहुत ही अप्स एंड डाउन थे इनके करियर में, ये हम सब लोग जानते हैं। मैं भी एक टाइम पर ऐसा बोला करता था, हम लोग बोला करते थे, यानी हमारा ग्रुप जब देखा करते थे, कभी मैच होता था पाकिस्तान के मैच पर नज़र डलती थी या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, तो ऐसा बोला जाता था कि पहले तो मार दी उन्होंने, 37 में 100 मारे थे, तो उसके लिए उनका नाम था और बहुत ज़बरदस्त नाम है आज तक। लेकिन करियर में ऐसा उनका ग्राफ नीचे गया कि वो बैटिंग में अच्छा नहीं कर पा रहे थे परफॉर्म, बहुत टाइम हो गया था, बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पा रहे थे परफॉर्म, और उसके बावजूद हमने यहाँ पर बातें करना शुरू कर दी थी, सब लोग करते थे, हम भी करते थे कि यार शाहिद अफरीदी तो ऐसा ही है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, आएगा दो चार बॉलें अगर खेलकर वो मारेगा भी, मतलब मारने की कोशिश करेगा उल्टे सीधे शॉट और वो चला जाएगा, क्योंकि वो चीज़ थी और वो चीज़ कोचेज़ भी जानते थे कि वो गैर जिम्मेदार शॉट जो होते हैं, जब उन्हें लगता था कि मैं पावर हिटर हूँ उसके तौर पर रखा गया है मुझे टीम में, तो उनके माइंड में भी ये चीज़ आ गई थी, उन्होंने अपना लिया था कि मुझे मारना है जाना है, तो वो गलत चुनाव जो होता है, गलत सिलेक्शन जो होता है एक शॉट का, कि अगर ऑफ साइड में बॉल आ रही है तो मुझे, मैंने पहले माइंड सेट बना लिया वहाँ पर मारना है, लेकिन वहाँ पर एट द पॉइंट आपको मूवमेंट पर चेंज करना पड़ता है अपना माइंड कि नहीं यार ये बॉल इधर को आती तो मैं वहाँ मार देता जहाँ मैंने सोचा था, लेकिन अब मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो गलत सिलेक्शन मतलब होता है वो माइंडसेट कि उनके दिमाग में यही है कि मैं वैसे ही खेलूँगा, तो वो कैच उड़ जाती थी क्योंकि बॉल उस मतलब की नहीं होती थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक बंदा जब खेलता है पिच पर तो बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ चलता होता है, शॉट्स पहले से प्री प्लान्ड भी कर लेते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है मुझे कि यहाँ मारना है, यहाँ गैप हैगा और यहाँ मुझे बॉल को पहुँचाना है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन उसको इम्प्रूव किया इन्होंने फिर बाद में नए कोच आए तो, और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कि उन्होंने कि 11 10 लकड़ियां और एक शाहिद अफरीदी को मुझे दे दो तो मैं वर्ल्ड कप जिता दूंगा, या ऐसी बातें उनके लिए बोली गई हैं कि शाहिद अफरीदी की वैल्यू क्या है, आखिर लोगों ने क्यों जानते हैं, जो 6 छक्के युवराज ने लगाए थे वो भी यही बोल रहे थे कि जो शाहिद अफरीदी का नाम है मैं उस लेवल तक फिर भी नहीं पहुँचा। तो इस बंदे को सैल्यूट, इसके करियर को सैल्यूट। मैंने बोला था ये अग्रेसिव दिखते हैं पिच पर, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिखते थे और बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहे इनकी लाइफ में, लेकिन ये बंदा अपनी रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे ना झांक कर, तो मुझे सही लगता है बंदा, बहुत सही बंदा है, आदत से और सारी चीज़ों से। ओवरऑल द इमोशनल जर्नी ये हमारे सामने थी शाहिद अफरीदी की, और बहुत ही सही वीडियो लगा मुझे। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पसंद आया तो, लाइक करके शेयर करिए, ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।